हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पर। इसको आज हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक ग्राफ दिया होता है। ग्राफ हमारा डायरेक्टेड ग्राफ रहेगा और इस ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही हमको एक कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स दी हुई होगी जो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे वर्टेक्स है इनके बीच की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 1 0, लेकिन यहाँ 1 से 2 लिखा हुआ है 10। मीन्स अगर हम किसी वर्टेक्स पर हैं तो उसकी खुद पर जाने के लिए जो कॉस्ट होगी वो 0 होगी, लेकिन अगर हम यहाँ से किसी अदर वर्टेक्स पर जाते हैं तो उसकी कॉस्ट यहाँ पर हमको एक मैट्रिक्स के द्वारा दी हुई होगी। दोस्तों, प्रॉब्लम में हमारे पास एक सेल्समैन होता है और इस सेल्समैन को एक ऑप्टिमल टूर फाइंड आउट करना रहता है कि यदि वो किसी वर्टेक्स से स्टार्ट करे तो वापस उसी वर्टेक्स पर आने के लिए उसे किस तरह का सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो करना रहेगा, और अगर वो ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉलो करता है तो उसकी कॉस्ट कितनी निकल सकती है। तब हमको यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी रहती है, एक तो हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस होता है और साथ में हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट होती है जिसको हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा। ऑप्टिमल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है, GIS इक्वल टू मिनिमम जे बिलोंग्स टू एस सी आई जे प्लस जी जे कॉमा एस माइनस जे। इस फॉर्मूले में दोस्तों, अगर हम पर्टिकुलर किसी नोड पर हैं, मीन्स हम किसी करंट नोड पर हैं, तो करंट नोड को यहाँ पर आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब यहाँ पर रहेगा कि हम अभी इस करंट नोड पर हैं। एस का मतलब यहाँ पर रहता है कि कितने नोड ऐसे हैं या कितने वर्टेक्स ऐसे हैं जिसको अभी तक हमने ट्रेवर्स नहीं किया है। मीन्स एस का मतलब रहेगा रिमेनिंग अनट्रेवर्स वर्टेक्स। यहाँ पर जे का मीनिंग रहता है नेक्स्ट नोड और ये बिलोंग्स टू है एस। मीन्स यहाँ पर जितने भी हम वर्टेक्स लिखेंगे जो रिमेनिंग होगा उसी में से कोई एक होगा आपका जे। फिर हम अंदर देखते हैं इक्वेशन, तो यहाँ पर लिखा हुआ सी आई जे। सी आई जे का मतलब होगा कॉस्ट ऑफ आई जे जो हमको यहाँ पे मैट्रिक्स से मिलेगा प्लस जी। फिर ये हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन है जो बार बार कॉल होता है। यहाँ पर जे मीन्स वही नेक्स्ट नोड और यहाँ पर एस माइनस जे का मतलब ये रहेगा कि जिस जे पर हम काम कर रहे हैं उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो हमको यहाँ पर लिखना है, और फिर ये रिकर्सिवली कॉल होता रहता है। दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई स्टार्टिंग वर्टेक्स है जहाँ से हमको हमारा टूर स्टार्ट करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा नोड 1 है वो हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है। तो दोस्तों, हमने मान लिया है कि हमारा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो क्या है, नोड 1 है। अब हमारा आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब जब हमने मान लिया है कि हमारा जो नोड 1 है वो स्टार्टिंग वर्टेक्स हो गया है, तो अब हमको जो विजिट करने के लिए या जो ट्रेवर्स करने के लिए नोड बचे हैं वो बचे हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं इफ एस इक्वल टू नल। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी वर्टेक्स अब ट्रेवर्स करने के लिए नहीं बचा है। मीन्स हम जिस वर्टेक्स पर इस समय हैं वो हमारा लास्ट वर्टेक्स है, और इसके बाद हमको डायरेक्टली कहाँ पहुँचना है, 1 पे पहुँचना है। तब इस केस में हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हम सेकेंड नंबर के नोड पर होंगे और ट्रेवर्स करने के लिए हमारे पास कोई भी नोड नहीं बचा है। इसके अलावा हम थर्ड नंबर के नोड पर हो सकते हैं और ट्रेवर्स करने के लिए हमारे पास कोई भी नोड नहीं बचा है, या फिर हम फोर्थ नंबर के नोड पर हो सकते हैं और ट्रेवर्स करने के लिए हमारे पास कोई भी नोड नहीं बचा है। मीन्स हमको डायरेक्टली अब कहाँ पहुँचना है, 2 से 1 पर पहुँचना है, 3 से 1 पर पहुँचना है या फिर 4 से 1 पर पहुँचना है। और जब भी दोस्तों ये वाला केस होता है कि हमको यहाँ पे नल मिलता है तो इसका मीनिंग होगा कॉस्ट ऑफ 2 1 या फिर कॉस्ट ऑफ 3 1, और यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 4 1। मैट्रिक्स अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ 2 1 की वैल्यू है हमारे पास 5, 3 1 की वैल्यू है 6 और 4 1 की वैल्यू है 8। तो दोस्तों, ये जो वैल्यूज निकल कर आई है तब निकल कर आई है जब हमने ये माना है कि हमारे पास कोई भी नोड या वर्टेक्स विजिट करने के लिए नहीं बचा है। तो ये हम सबसे लास्ट वाले नोड पर थे कि सेकंड के बाद हमको डायरेक्ट 1 पर पहुंचना है, थर्ड के बाद हमको 1 पर पहुंचना है, फोर्थ के बाद हमको 1 पर पहुंचना है। अब यदि हम ये माने कि हमारे पास कम से कम एक वर्टेक्स ऐसा बचा हुआ है जिसको हम विजिट या ट्रेवर्स कर सकते हैं, तब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी। यदि हम सेकेंड नंबर के नोड पर अभी हैं
तो दोस्तों वन तो हमको विजिट करना नहीं है, क्योंकि वन तो हमारा स्टार्टिंग नोड है, तो वो तो ऑलरेडी विजिट है सबसे पहले। अब अगर हम सेकंड पर हैं तो एक नोड जो बचा हुआ होगा वो या तो थ्री हो सकता है या फिर फोर हो सकता है। दोस्तों अगर सेकंड को विजिट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट नोड थ्री है, ये हमारा अगर इंट्रोवर्स है, तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी मिनिमम फॉर्मूले से सी टू थ्री प्लस जी। देखिए दोस्तों यहाँ पर आई और एस है, यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई है टू, और जे की वैल्यू हो जाएगी अब यहाँ पे जो बिलोंग्स टू एस होगा, और एस की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ थ्री है, मीन्स यहाँ जे की वैल्यू सिर्फ थ्री रहेगी। मिनिमम जे बिलोंग्स टू एस हो गया, सी आई जे तो आई की वैल्यू हो गई है टू और जे की वैल्यू हो जाएगी थ्री प्लस जी। जे जे की वैल्यू यहाँ पर है थ्री कॉमा एस माइनस जे, एस माइनस जे के बारे में बात करें तो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है थ्री और जे की वैल्यू भी कितनी है थ्री, मीन्स अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो जो सेट है सेट के पास कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पर आएगा एम्प्टी। अब यहाँ पर इक्वेशन एक ही बनेगी, और इक्वेशन एक अगर एक बनती है तो मिनिमम वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वही हमारी मिनिमम होगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, सी टू थ्री मीन्स नाइन प्लस जी थ्री नल, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं सिक्स, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 15। सेकंड केस हम देख लेते हैं, तो दोस्तों अभी मैंने बताया मिनिमम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन एक ही बार बन रही है। यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ वैल्यू आएगी सी टू फोर प्लस जी, जे की वैल्यू है हमारे पास फोर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा नल सेट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सी टू फोर, टू फोर की वैल्यू है 10 प्लस फोर नल की वैल्यू है 8, तो यहाँ वैल्यू निकल कर आ रही है हमारे पास 18। ओके दोस्तों, तो ये हमने तब सॉल्व किया है जब हमने ये माना है कि हमारे पास एक वर्टेक्स अभी विजिट करने के लिए रह गया है, और अभी हम करंट में किसमें हैं टू पर। इसी तरह हमारा केस बनेगा कि जब हम थ्री पर होंगे, जब हम थ्री पर होंगे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अभी हमको ट्रेवर्स करने के लिए सेकेंड नंबर का नोड बचा हो, या फिर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अभी हम करंट पर थ्री पे हैं और ट्रेवर्स करने के लिए हमारा फोर नंबर का नोड बचा हुआ हो। तो इनके लिए हम इक्वेशन देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास इक्वेशन बनेगी सी थ्री टू प्लस जी टू और नल सेट, और यहाँ इक्वेशन बनेगी सी थ्री फोर प्लस जी फोर और नल। वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, सी थ्री टू, थ्री टू की वैल्यू है 13 प्लस टू फाइव, इसकी वैल्यू है हमारे पास 5 इक्वल टू 18। लास्ट में देखें थ्री फोर, थ्री फोर की वैल्यू है 12 प्लस फोर नल, फोर नल की वैल्यू है 8, ये निकल कर आ रहा है दोस्तों 20। अब दोस्तों हमने टू से देख लिया है कि थ्री और फोर पर जा सकते हैं, थ्री से देख लिया टू और फोर पर जा सकते हैं, इसी तरह अब हमको फोर के लिए देखना है कि फोर के बाद हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो फोर के साथ हमारे पास पॉसिबिलिटीज बचेगी कि हम टू पर जा सकते हैं और थ्री पर जा सकते हैं। तो दोस्तों हम फोर के लिए निकाल लेते हैं, अगर हमारा करंट नेट फोर है और जो एक वर्टेक्स ट्रेवर्स करने के लिए बचा है वो हम मान लेते हैं कि सेकंड बचा है, या फिर दूसरा केस हमारे पास हो सकता है कि हम करंट नोड फोर है हमारा और जो ट्रेवल्स करने के लिए बचा हुआ है वो थ्री बचा हुआ है। तब यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी सी फोर टू प्लस जी टू नल, और यहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो होगी फोर थ्री प्लस जी थ्री और नल। इनकी अगर हम वैल्यूज़ देखें तो फोर टू की वैल्यूज़ है हमारे पास 8 प्लस टू नल, इसकी वैल्यू है हमारे पास 5, तो ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है 13। यहाँ हम वैल्यू देखें फोर थ्री, फोर थ्री की वैल्यू है 9 प्लस थ्री नल,
थ्री नल की वैल्यू निकल कर आई है 6, तब ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है 15। तो दोस्तों पहला केस हमने ये देखा है कि यहाँ पर एस इक्वल टू हमने नल लिया था, इसका मतलब ये था कि कोई भी वर्टेक्स यहाँ पर ट्रेवर्स करने के लिए नहीं बचा है। फिर हमने सेकंड केस देखा कि एक वर्टेक्स हमारे पास ट्रेवर्स करने के लिए बचा हुआ है। अब हम लास्ट केस देखते हैं जिसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास अभी दो वर्टेक्स ट्रेवर्स करने के लिए बचे हुए हैं, क्योंकि हम टोटल हमारे पास चार वर्टेक्स ही हैं। फर्स्ट वर्टेक्स तो हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं क्योंकि वहां से हमने स्टार्ट किया हुआ है। फिर हमने देखा कि कोई वर्टेक्स नहीं विजिट करने के लिए बचा है। फिर हमने देखा कि एक वर्टेक्स बचा हुआ है। फिर हम देख रहे हैं कि अब दो वर्टेक्स विजिट करने के लिए बचे हुए हैं। तो हम दो वर्टेक्स पर काम करते हैं। दो वर्टेक्स विजिट करने के लिए बचे हैं, तब हम मानेंगे कि हमारे पास जो करेंट नोड है वो है 2, और दो वर्टेक्स विजिट करने के लिए बचे हुए हैं तो 3 और 4 आएगा। जब इसकी क्वेश्चन बनेगी तब तो हम देखेंगे यहाँ पे मिनिमम जे बिलोंग्स टू एस, मीन्स जो जे की वैल्यू है वो 3 और 4 हो सकती है। तब हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जब जे की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ आएगा सी 2 3 प्लस जी 3 और एस माइनस जे। अब यहाँ पर एस की वैल्यू है 3 4 और जे की वैल्यू 3, तो यहाँ जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 4 कॉमा। सेकेंड जो इक्वेशन बनेगी सी 2 4 प्लस जी, यहाँ आएगा 4। अब यहाँ पर एस माइनस जे, अब यहाँ पर जो जे की वैल्यू है वो 4 है, तो एस माइनस जे मीन्स यहाँ बचेगा 3। इसको यदि हम सॉल्व करें तो मिनिमम सी 2 3, 2 3 की वैल्यू है 9 प्लस 3 4, 3 4 की वैल्यू हमने निकाली है 3 4 की वैल्यू निकाली है 20 कॉमा C24, C24 की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास 24 की वैल्यू है 10 प्लस 4 3, 4 3 की वैल्यू हमने निकाली है 15। मिनिमम 29 25 मीन्स यहाँ पे जो निकल कर आएगा वो होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो करंट नोड वो 2 था, अब हम मान के चलते हैं करंट नोड कौन सा है 3 है, तब जो रिमेनिंग दो वर्टेक्स बचेंगे वो होगा 2 और 4। तब यहाँ पर इक्वेशन बनेगी मिनिमम सी 3 2 प्लस जी 2 और यहाँ पर अब एस माइनस जे बचेगा 4। सेकेंड इक्वेशन बनेगी सी 3 4 प्लस जी, यहाँ पर आएगा 4 और जो रिमेनिंग होगा वो बचेगा हमारा 2। मिनिमम 3 2 की वैल्यू है दोस्तों 13 प्लस इस फंक्शन की हमने वैल्यू निकाली है 18। 3 4 की वैल्यू है हमारे पास 12 और इस फंक्शन की जो वैल्यू निकाली है वो थी हमारे पास 13। मिनिमम ये वैल्यू निकल कर आ रही है 31, देन ये आ रहा है हमारे पास 25। मिनिमम इसमें देखें तो मिनिमम को मिल रहा है 25। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करें तो हो सकता है हम करंट नोड 4 पर हों, तब जो दो वर्टेक्स होंगे वो हमारे पास होंगे 2 और 3। मिनिमम सी 4 2 प्लस जी, यहाँ आएगा 2 और जो अब रिमेनिंग बचेगा वो होगा 3। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 4 3, यहाँ जे की वैल्यू है 3 और जो रिमेनिंग बचेगा वो होगा 2। मिनिमम
42 की वैल्यू है हमारे पास 8, प्लस 23 की वैल्यू हमने निकाली 15, 43 की वैल्यू है हमारे पास 9, प्लस इस फंक्शन की जो वैल्यू हमने निकाली है वो है हमारे पास 18 मिनिमम। टोटल करते हैं तो ये निकल कर आएगा 23, देन सेकंड निकल कर आएगा 27, मिनिमम यहाँ से होगा हमारे पास 23। तो दोस्तों अब हम सारी पॉसिबिलिटीज देख चुके हैं कि हमारे पास एक वर्टेक्स बचता है, फिर दो बचते हैं। अब हम फाइनली देखते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बनने वाली है। फाइनली हम ये देखते हैं कि अब हम स्टार्टिंग नोड पर ही हैं, वन पर, तो जो रिमेनिंग होंगे वो कौन कौन से होंगे, टू होगा, थ्री होगा और फोर होगा। तब यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो होगी मिनिमम सी 1 2 प्लस जी 2 3 4। तो यहाँ पर ये हो गया सी आई जे प्लस जी, ये जे की वैल्यू हमने लिखी, फिर एस माइनस जे मीन्स यहाँ पे जितने भी थे उसमें से जे को हमने हटा के यहाँ पे रिमेनिंग लिख दिया है। सेकेंड इक्वेशन अब आपकी बनेगी सी 1 3 प्लस जी, यहाँ जे की वैल्यू हो जाएगी 3 और जो रिमेनिंग होंगे वो बचेंगे हमारे पास 2 एंड 4। थर्ड इक्वेशन होगी सी 1 4 प्लस जी, और यहाँ पर अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4 और जो रिमेनिंग होंगे वो बचेंगे 2 एंड 3। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं सी 1 2। तो दोस्तों आप मैट्रिक्स देखते हुए चलिएगा, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो सी 1 2 है इसकी वैल्यू है हमारे पास 10, प्लस जो ये फंक्शन है इस फंक्शन की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 25, कॉमा सी 1 3 मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू दी हुई है 15, प्लस जो हमारे पास फंक्शन है G3 2 4 इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो है 25। नेक्स्ट C14, C14 की वैल्यू मैट्रिक्स में दी हुई है 20, प्लस ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हमने निकाली है 23 मिनिमम। इनका एडिशन अगर हम देखें तो यहाँ आएगा 35, ये वैल्यू आ रही है 40, देन यहाँ आ रहा है हमारे पास 43 मिनिमम। अगर हम देखें तो मिनिमम है हमारे पास यहाँ पे 35। तो दोस्तों हमने फाइनली सारे वर्टेक्स पर काम कर लिया है, मीन्स हमने सारे जो वर्टेक्स उनको विजिट कर लिया है, जैसे हमारी जो कॉस्ट निकल कर आई है वो 35 निकल कर आई है। अब हमको ये देखना है कि हमारा जो ऑप्टिमल टूर है वो क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम 35 पर पहुँच चुके हैं, मिनिमम हम जो हमारा कॉस्ट है, ऑप्टिमल कॉस्ट है, वहाँ पर आ गए हैं। जब 35 हमने देखा, 35 हमको मिला है फर्स्ट इक्वेशन से, मीन्स दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग नोड है वो तो 1 है, 1 के बाद जो नेक्स्ट नोड है जे वो हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो स्टार्टिंग नोड हो गया हमारा 1 और 1 से जो नेक्स्ट नोड होगा वो क्या होगा, हमारा 2 होगा। अब इस इक्वेशन को यूज़ हमने किया है, इसमें जो फंक्शन है वो है G2 3 4। तब हम इस फंक्शन के पास पहुंचते हैं, तो यहाँ से हम आए इस फंक्शन के पास जिससे हमको वैल्यू मिली थी मिनिमम 25। 25 जो हमको मिला हुआ था वो हमारा सेकंड इक्वेशन के बेस पर मिला था। सेकंड इक्वेशन हमारा यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर देखें तो आई के बाद जो नेक्स्ट नोड था वो क्या था, जे, जे मीन्स 4। तब हम 2 से यहाँ पर किस पे जाएंगे, 4 पर जाएंगे। अब इसके अंदर जो फंक्शन यूज़ हुआ है वो लिखा हुआ है G43। तो हम 43 पे पहुँचते हैं, तो ये वाली इक्वेशन है वो जिससे हमको वैल्यू मिली थी 15। यहाँ पर अगर आप देखें तो आई के बाद जो जे है वो क्या है, 3, मीन्स अब 4 के बाद हम किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। और मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर एक हमको साइकिल क्रिएट करना रहता है, क्लोज्ड पाथ बनाना रहता है, तो जिस वर्टेक्स से हम शुरू करेंगे उसी वर्टेक्स पर हमको यहाँ पर हमारा कंप्लीट करना है। तो ये हमारा ऑप्टिमल टूर है, मीन्स 1 के बाद 2 पर जाना है, 2 के बाद 4 पर, 4 के बाद 3 पे, और 3 से वापस रिटर्न किस पर आना है, 1 पर। तो ये हमारा कहलाता है ऑप्टिमल टूर।
और इसके लिए जो टोटल कॉस्ट आई है, मिनिमम कॉस्ट आई है, वो है हमारे पास 35। दोस्तों इसको आज हमने सॉल्व किया है डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, और अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।